आज मैं आप सभी के साथ आफ्टर स्कूल स्टडी रूटीन शेयर करूँगी। सारा दिन स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जब हम घर पे आते हैं तो हम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। बट नेक्स्ट डे हमें स्कूल में जाना है, इसके लिए जरूरी है कि हम अपना काम टाइम से करें, साथ ही साथ रेस्ट भी करें और अपनी अदर एक्टिविटीज को भी टाइम दें। तो चलो देखते हैं ये सब चीजें हम कैसे कर सकते हैं। स्कूल से आने के बाद सबसे पहले हम बाथ लेंगे और साथ ही साथ अपनी ड्रेस को वॉश करके रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें स्कूल में दोबारा से इसको पहन के जाना है। और आजकल गर्मियां होती है तो गर्मियों में ड्रेस को वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और नहाना भी समझो मस्ट है, क्योंकि नहाने के बाद हम फील करेंगे कि हम बहुत ज्यादा थके हुए थे बट अब नहीं है, हमारी लगभग आधी थकान उससे खत्म हो जाती है। उसके बाद आप आराम से एक ग्लास भर के पानी का लेके बैठ जाइए। नींबू पानी बना सकते हैं, सिकंजी बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं ना वो इस टाइम बनाइए और आराम से बैठ के इसको इंजॉय करिए। क्योंकि कई बार ना हम डिहाइड्रेशन की स्टेट में चले जाते हैं और उसकी वजह से हम ऐसा फील करते हैं कि हम बिल्कुल थके हुए हैं, हमारा कोई भी काम करने का मन नहीं हो रहा। इसलिए स्कूल से आने के बाद मस्त सी एक ड्रिंक लेके आराम से सिप सिप करते हुए उसको एंजॉय करिए आराम से बैठ के। अभी आप 5 से 6 घंटे की स्टडी करके स्कूल से आए हो, तो आते ही ये सब काम करने के बाद मैं आपको पढ़ने के लिए तो नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि आप थोड़ा बहुत रेस्ट करो, क्योंकि फुल टाइम पढ़ना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है और पढ़ना भी नहीं चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए भी वो ठीक नहीं रहता। इसलिए आप 1 से 1.5 घंटे के लिए आराम से सो जाइए। अब सो के जब आप उठोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपकी बॉडी में एक एनर्जी आ चुकी होगी जिससे आप अपने बाकी के सारे कामों को करने के लिए लग सकेंगे। सबसे पहले हम अपनी बेडशीट को ठीक करेंगे और उसके बाद चलेंगे बाहर। छत पे, गली में या फिर पार्क में हम आराम से वॉक करेंगे जिससे हमारी नींद उड़ जाए, जो हम स्लीपी महसूस कर रहे हैं वो ना हो और हमारी थकान भी उड़ जाए और हमारा मूड भी अच्छा हो जाए। अपनी 20 मिनट आप इस एक्टिविटी को दोगे। अब पढ़ने बैठने से पहले हम कुछ हेल्दी खाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही पढ़ने के लिए बैठ गए तो इतनी ज्यादा भूख लगने वाली है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए आराम से अपने पेट को भर के फिर पढ़ने के लिए बैठेंगे। पीना करने के बाद फोन को इग्नोर करते हुए हम अपने बैग को उठा के उस रूम में आ जाएंगे जहाँ पे बैठ के हम स्टडी करते हैं। और पढ़ना स्टार्ट करने से पहले आप अपनी डायरी को करेंगे चेक और देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना काम दिया हुआ है। सबसे पहले आप कौन से सब्जेक्ट का काम करना चाहते हैं और बिल्कुल प्लानिंग कर लेंगे, क्योंकि जब आप किसी काम को करने की प्लानिंग कर लेते हैं ना तो बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि वो आपका काम कंप्लीट होगा, और बिना प्लानिंग के तो देखो इतना ज्यादा काम बन नहीं सकता मेरे हिसाब से तो। और पढ़ते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, तो चलो वो सारी चीजें अब मैं आप सभी को बताती हूँ। अपने पास फोन नहीं रखना है, अगर आपकी ऑनलाइन कोई क्लास है तो वो क्लास आप बाद में लोगे, सबसे पहले जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो अपने पास फोन नहीं रखोगे। अब आपको कहाँ पे बैठ के पढ़ना है इसके लिए भी आपको 2 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक, जहाँ पे बिल्कुल शांति हो वहाँ पे बैठ के पढ़ोगे आप, साथ ही साथ जिस रूम में अच्छे तरीके से लाइट आती हो वहाँ पे बैठ के पढ़ोगे। बाकी स्टूडेंट्स को ना खुद को ट्रेन करना चाहिए कि वो बिल्कुल शोर में बैठ के भी पढ़ सके और शांति में भी बैठ के पढ़ सके, क्योंकि जब आप आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की या फिर कुछ भी तैयारी करोगे ना तो उस चीज के लिए आपको इस चीज को करने के लिए तो जरूर कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन हॉल के पास बिल्कुल शांति हो, थोड़ा बहुत शोर होगा तो क्या आप पेपर ही नहीं करोगे। इसलिए आपकी हर जगह पढ़ने की आदत होनी चाहिए, बट जब स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए बैठो ना, मतलब जब शुरुआत करो तब आप शांति में बैठ के पढ़ो, फिर धीरे धीरे अपनी सारी आदतों को बदलो। अब अपना आधा काम करने के बाद आप करोगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट, अपने हर स्टडी सेशन के बीच में आप 5 से 10 मिनट का तो रेस्ट जरूर लोगे और उस रेस्ट में आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग
स्ट्रेचिंग करोगे, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने के बाद जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपका मन लगेगा और बहुत सारे बच्चों की आंखों में दर्द होने लग जाता है, तो उस चीज़ के लिए आप ये एक्टिविटी करोगे। इन एक्टिविटीज़ को करने में बिल्कुल 5 से 10 मिनट लगेगी, बट ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, इसलिए इन एक्टिविटीज़ को आप थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर दें। और जब पढ़ते पढ़ते आपका सर थोड़ा सा भारी होने लगे, आपको स्ट्रेस फील होने लगे, तो आप इस एक्टिविटी को करना। ये एक्टिविटी डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेगी। रेस्ट करने के बाद आपका जो पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए फटाफट से आपको जुट जाना है। और जब एक जगह पे बैठ के पढ़ने में आपको मजा ना आए, बोरियत होने लगे, तो आप इस तरीके से टहल के पढ़ने की कोशिश करना और देखना, इस चीज से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, आपका पढ़ाई में थोड़ा बहुत फोकस इंक्रीज होगा। थोड़े बहुत टाइम के बाद ना हमें अपने अंदर थोड़े बहुत तो चेंजेस लाने चाहिए और कुछ नई हैबिट्स को अपने अंदर ऐड करना चाहिए, जिससे किसी भी काम को करते वक्त हम बोरियत महसूस ना करें और इंजॉय करते हुए अपने सारे कामों को कम्प्लीट कर सकें। स्कूल से आने के बाद आपने अपनी ड्रेस को वॉश करके रखा था, वो अब तक बिल्कुल सूख चुकी होगी, तो इस ड्रेस को अच्छी तरीके से आप आयरन कर लीजिए या फिर अपनी मम्मा से आयरन करवा लीजिए और अपने नेक्स्ट डे स्कूल के लिए अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और तैयारी में आपको क्या क्या करना है चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले अपने बैग को पैक करना है, जो जो चीज़ें आपने उठा के कहीं और रखी थी उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से रखना है और अपनी ड्रेस को उसकी सही जगह पर रखना है, जिससे मॉर्निंग में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, आपको सारी चीज़ें अपनी परफेक्ट मिले। अब तक आपने अपना सारा होमवर्क भी कर लिया होगा और साथ ही साथ अपने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन भी कर ली होगी, तो अब आप अपनी अदर एक्टिविटीज़ को टाइम दोगे। जो चीज़ मैं आप सभी को हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना ही स्टूडेंट का काम नहीं होता, साथ ही साथ उनको अदर एक्टिविटीज़ में भी अपना टाइम निकालना चाहिए, हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, सभी का किसी ना किसी फील्ड में फर्स्ट डे होता ही है, इसलिए गलतियाँ करने से मत डरो, बस स्टार्टिंग का एक स्टेप लो, सारी चीज़ें फिर अपने आप होती चलेंगी। और एक चीज़ और जिसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बार बोलती हूँ कि कोई भी काम कंप्लीट करने के बाद, अपने टास्क को कंप्लीट करने के बाद आप खुद को रिवॉर्ड दो। ऐसा करने से आपके माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आप सबसे परसों 5:30 और आप सभी को हर हर महादेव।